तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं ईएमआरएससी और ईएसएससी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो आपको बताएंगे कि ईएमआरएससी रिक्रूटमेंट क्या है। आपको बता दें कि यह एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, आपको ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पे 10 आपके जो कह सकते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स के लिए भरने के लिए यह जॉब है, वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, 12th के भी, बीकॉम, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए भी कुछ यहाँ पे वैकेंसी को दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोस में कि क्या क्या पोस्ट और कैसे कैसे कितने कितने वैकेंसी इस पर्टिकुलर अलग अलग क्लास 10th, 12th और सभी स्ट्रीम के लिए अलग अलग वैकेंसी है और यहाँ पे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बारे में बात करेंगे, सभी कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे। तो वीडियोस को बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, लेकिन पहले वीडियोस को जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो होगा वो एप्लीकेशन 29/6/2023 से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट अप्लाई 18/8/2023 होगा, फी पेमेंट का लास्ट डेट 18/8/2023 होगा और जो एग्जामिनेशन जो डेट होंगे CBT के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का और उसके एडमिट कार्ड होंगे वो आपको जैसे ही आएंगे इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे एडमिट कार्ड, रिजल्ट और कटअप सभी कुछ रिगार्डिंग आपको वहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी के बारे में और स्टूडेंट्स आप सभी को कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो से आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो, यहाँ से आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिले तो ठीक है। तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। एप्लीकेशन फी जो है सबसे पहला जो पोस्ट है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, उसके जिसके लिए मास्टर डिग्री मांगा गया है और या फिर बीएड डिग्री भी मांगा गया है उसके लिए है यहाँ पे। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 2000 रुपये का फी रखा गया है, एससी पीएच के लिए कोई भी फी नहीं रखा गया है। फॉर पीजीटी पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये फी है, एससी बीएच कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं है। फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कुछ ऐसे पोस्ट है जो कि नॉन टीचिंग है जैसे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के रिगार्डिंग, उसके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फी है, एससी के लिए कोई फी नहीं है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अब हम एज लिमिट के बारे में और साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट में आपको बता दें कि सबसे पहला पोस्ट जो प्रिंसिपल का पोस्ट है इसके रिगार्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 303 है। टोटल वैकेंसी में 4062 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है जिसमें कि प्रिंसिपल के रिगार्डिंग 303 वैकेंसी है और मैक्सिमम 50 ईयर्स का क्या है आपका इसके रिगार्डिंग आपका एज लिमिट मांगा गया है ठीक है। मैक्सिमम 50 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका एज जो है वो 31/7/2023 से काउंट किया जाएगा। इसके लिए जो डिग्री मांगा गया है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और बीएड एग्जाम पास होना चाहिए ठीक है। बीएड एग्जाम पास है आप, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ 12 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि पीजीटी है इसके रिगार्डिंग 2266 पोस्ट है यानी 2266 पोस्ट है, मैक्सिमम 40 ईयर का आपके इसके रिगार्डिंग एज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बैचलर डिग्री इन आपके रिलेटेड सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ बीएड डिग्री का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकेस आप आपके पास 4 ईयर डिग्री कोर्सेस है तो आपके पास क्या है आपका बीए डिग्री आपको उसके लिए एलिजिबल रहेगा। साथ ही साथ और भी क्या है फॉर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, अच्छा उसके लिए कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया, हम आपको नोटिफिकेशन में भी बताएंगे सभी जानकारी, आप अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका वो है आपका अकाउंटेंट का 306 पोस्ट रिगार्डिंग, मैक्सिमम 30 ईयर्स का आपका एज लिमिट है जिसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स मांगा गया है बीकॉम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री बीकॉम में किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जेएसए का जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का 759 पोस्ट है, मैक्सिमम 30 ईयर्स का इसके रिगार्डिंग एज है। 10+2 एग्जामिनेशन आपको पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, इंग्लिश आपका पास टाइपिंग होना चाहिए या फिर आपके पास हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, कोई भी एक टाइपिंग रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैब असिस्टेंट की रिगार्डिंग 373 पोस्ट है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स का रखा गया है और आप इसके लिए सिर्फ क्लास 10th पास होना चाहिए और यदि साथ ही साथ क्लास ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10th पास होने के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का या फिर यदि आपने डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट किया है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम अगर आपके पास है यानी साइंस के साथ आपने 10+2 किया है तब भी आप लैब असिस्टेंट की रिगार्डिंग 373 पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है। ये क्या है इसके कुछ पोस्ट है उसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके एज लिमिटेशन या फिर कह सकते हैं एज लिमिट है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं और यहाँ से हम आपको कुछ और जानकारी देंगे जो कि आपको फॉर्म भरते के दौरान आपको पता होना चाहिए ठीक है।
और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो आपकी पीजीटी के पोस्ट हैं यानी पीजीटी टीचर की जो वैकेंसी है उसमें सब्जेक्ट वाइज किन किन सब्जेक्ट की रिगार्डिंग वैकेंसी है और कितने नंबर ऑफ पोस्ट के रिगार्डिंग वैकेंसी, ठीक है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक एक पर्ट बताना कह सकते हैं कि सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले स्कीम ऑफ रिजर्वेशन यानी मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की रिगार्डिंग जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। प्रिंसिपल की रिगार्डिंग मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका 130 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, साथ ही साथ आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। और इस ये जो आपका कह सकते हैं कि रिटेन एग्जामिनेशन यानी सीबीटी एग्जामिनेशन होने के बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा जो कि आपके 40 मार्क्स के कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ही होगा। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा वो आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि अगर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होंगे सीबीटी उसमें क्या होगा। सीबीटी में सबसे पहला पेपर जो होगा वो रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, फिर नेक्स्ट पेपर जनरल अवेयरनेस, फिर नेक्स्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, फिर आपका एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग आपके सिलेबस होंगे, ये आपको प्रिंसिपल के रिगार्डिंग पूछा जाता है, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे 150 के होंगे। टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिर पीजीटी रिक्रूटमेंट के बारे में, यानी जो स्टूडेंट्स पीजीटी के लिए भरेंगे पीजीटी टीचर के लिए उनके लिए क्या क्या होगा। तो उनके लिए पहले से कह सकते हैं कि चार जो पेपर है ऊपर का वो क्या होंगे, सेम होंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग नॉलेज ऑफ आईसीटी और टेक्निकल एप्टीट्यूड, ये जो चारों होंगे आपके पार्ट, ये सभी कह सकते हैं सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। जितने भी सब्जेक्ट है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जितने भी है आपके और जितने भी स्टूडेंट्स पीजीटी के लिए भरेंगे उन सभी के लिए पहला चार जो है वो सेम रहेगा और पांचवा जो है वो क्या रहेंगे आपके डिफरेंट रहेंगे। देखिए पहला चार और लास्ट में ये जो छह है ये सभी पोस्ट के लिए सेम रहेगा, लेकिन जो पार्ट फाइव है वो क्या होंगे सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होंगे, यानी क्या मतलब जो जिस सब्जेक्ट में भरेंगे उनके लिए पार्ट फाइव जो होगा वो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, जो कि जो फिजिक्स में भर रहे हैं उनके लिए अलग होगा, मैथ्स अलग, केमिस्ट्री अलग, सभी कुछ अलग अलग, ठीक है। और लेकिन जो ऊपर से चार है और नीचे जो छठा नंबर है वो सभी के लिए सेम होंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए पीजीटी के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें आपका पीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट के रिगार्डिंग। अकाउंटेंट के रिगार्डिंग जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, इसमें पहला पेपर रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर आपका बेसिक नॉलेज होगा आपका कंप्यूटर ऑपरेशन में, फिर पार्ट फाइव में सब्जेक्ट नॉलेज होगा, ठीक है, जो बीकॉम में आपने पढ़ा होगा उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट नॉलेज होगा। इसमें 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा और आपको टोटल 130 नंबर का एग्जाम होगा और टोटल 130 क्वेश्चन होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी है जो कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के रिगार्डिंग वैकेंसी है, जो कि आपका क्या है क्लास 12 लेवल पे भी है ना, और डिप्लोमा के रिगार्डिंग भी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं उनके लिए क्या है कि आपका पार्ट वन में रीजनिंग होगा, फिर आपके सेम टू सेम वही आप देख सकते हैं और आपका 130 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 130 नंबर आपके यहाँ पे सब क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, टोटल एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे ही आपका एक और होगा यहाँ पे साथ ही साथ आपका ये जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसमें एग्जामिनेशन यानी सीबीटी एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में आपका क्या होगा पर्सनल कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें कि मिनिमम 20 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, यानी मिनिमम 20 मार्क्स लाएंगे तभी आप वहाँ पे क्वालिफाई होंगे। अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग, जो कि क्लास 10th पास के लिए है या फिर आपके पास डिप्लोमा इन लैब असिस्टेंट कैटेगरी है उनके लिए है। तो उनके लिए क्या है आपका चार पार्ट में एग्जामिनेशन होंगे, चार पार्ट में आप देख सकते हैं रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश दोनों के, ठीक है, 15 मार्क्स प्रत्येक के होंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 120 होंगे और यहाँ पे आपको द टेस्ट विल भी 2.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा विदाउट एनी टाइम लिमिट, ठीक है, यानी आपको सभी को एक साथ एग्जाम लिया जाएगा, यानी कोई गैप वैप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या होंगे सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, सभी पोस्ट के रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, आपका जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उसके बारे में हो गया, ठीक है। तो शायद आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि प्रत्येक सही पे आपको एक नंबर दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत पे 1/4 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स आपके क्या होंगे डिडक्ट भी किए जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, जो सैलरी होगा वो आपको कितना मिलेगा। तो सभी पोस्ट की रिगार्डिंग बेहतरीन सैलरी दिया गया है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल का पोस्ट है, अगर आपका प्रिंसिपल में हो जाता है तो आपको लेवल 12 का सैलरी मिलता है, जो कि 78,000 से लेकर 2,92,000 के बीच में आपका सैलरी होता है, ठीक है, 2,92,000 के बीच में। फिर पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप पीजीटी टीचर के रिगार्डिंग फॉर्म भरते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सभी आपके सब्जेक्ट है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग लेवल 8 का सैलरी मिलेगा 47,000 से लेकर 1,51,000। अकाउंटेंट का अगर पोस्ट है तो लेवल 6 का 35,000 से लेकर 1,12,000।
यदि जीएसए का पोस्ट है आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की रिगार्डिंग, तो इसके लिए आपको 90,000 से लेकर 63,000, यदि लैब असिस्टेंट की रिगार्डिंग भरते हैं लेवल 1 का सैलरी होगा यहाँ पे 18,000 से लेकर आपका 56,900 के बीच में आपका सैलरी होगा। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर, सेलेक्शन प्रोसेस, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिला होगा। इसके सब्जेक्ट जो होंगे वो भी आप कहिएगा, तो उसके लिए अलग से वीडियोज बना देंगे, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो वीडियोज लंबा हो जाएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।